एक बार फिर राहुल गांधी से भिड़ गई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। दिल्ली तक मचा हड़कंप। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसक झड़पों के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। स्मृति ने सवाल पूछा कि क्या उन्हें ऐसी घटनाएं स्वीकार्य लगती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने हाल ही में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी एकता की बात कही है। भोपाल में स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस तरह से लोग पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में लोकतंत्र की हत्या देख रहे हैं, कांग्रेस उसी टीएमसी से हाथ मिला रही है। क्या गांधी परिवार के लिए उनसे हाथ मिलाना पसंद है जो पश्चिम बंगाल में तबाही मचा रहे हैं? क्या राहुल गांधी को मौत का ये खेल स्वीकार है? उन्होंने कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में कम से कम 20 लोग मारे गए, जबकि कई घायल हो गए। मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के 12 सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 2 सदस्य और भाजपा और कांग्रेस के 3-3 कार्यकर्ता शामिल थे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, उत्तर 24 परगना और मालदा सहित कई जिलों में भारी हिंसा देखी गई और इन जिलों के कई गाँवों में मतपेटियों को तोड़ दिया गया और प्रतिद्वंदियों पर बम फेंके गए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद सियासी घमासान के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। शनिवार को पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी। इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कल्पना से परे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।